प्रेज द लॉर्ड। पोर्ट ब्लेयर हेब्रोन मॉर्निंग मन्ना में सबको स्वागत है। एक नया दिन और भी प्रभु ने दिया है। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 20, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 20वां वचन, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन हे प्रभु यीशु आ। वजन कहता है यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। 2020 साल पहले वजन लिखा हुआ है, तब से प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, शीघ्र आने वाला है। उनका समय एकदम निकट है। कुछ लोग ये बात को पसंद करता है, शीघ्र आने के लिए चाहता है। कुछ लोग थोड़ा देरी में आने के लिए भी चाहता है। कुछ लोग नहीं आने के लिए बोलता है। कुछ भी हो, यीशु मसीह जरूर आएगा और शीघ्र भी आने वाला है। कभी भी आएगा, उसके साथ जाने के लिए हम तैयार होकर रहना है। प्रभु का वचन सुनने वाला, प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाला, प्रभु के मार्ग में चलने वाला जरूर उसके साथ जाएंगे। उसके लिए तैयारी होना है। कौन इसको पसंद करता है, कौन नहीं पसंद करता है? जैसे स्कूल में जाने वाला बच्चा होमवर्क सब कुछ किया, वो स्कूल में जाता है, टीचर जल्दी आने के लिए चाहता है क्योंकि उसका होमवर्क सब कुछ दिखाना है। उसके बाद टीचर से कुछ बात सुनना है, वेरी गुड, गुड, एक्सेलेंट, ये सब कुछ सुनने के लिए वो चाहता है। इसलिए वो स्कूल में जाने के लिए भी बहुत जल्दी होता है और जाके क्लास शुरू होने के लिए और टीचर जल्दी आने के लिए भी चाहता है क्योंकि उसका होमवर्क सब कुछ दिखाना है। जो होमवर्क किया बच्चा चाहता है टीचर जल्दी आने के लिए। जो होमवर्क नहीं किया, उन बच्चे लोग ऐसे प्रार्थना करते, आज मेरा टीचर नहीं आना है क्योंकि वो होमवर्क नहीं किया। वजन मान के चला हुआ लोग चाहता है प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने के लिए, और वचन के अनुसार विरोध में वचन नहीं मानता उन लोग चाहता है प्रभु अभी नहीं आना है। हम इसमें से कौन है? हम भी प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने के लिए प्रार्थना करना है क्योंकि ये कष्ट से, दुख से, विपत्ति से, बीमार से, महामारी से, सब में से हम बच जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए, आपको हम धन्यवाद है। तो आज का वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण बनने के लिए प्रभु सहायता करो। आपका आगमन में हम भी आपके साथ जाने के लिए तैयारी होने के लिए हमें सहायता करो। वचन सुनने वाले सभी को आपका हाथ में समर्पण करो। सबको प्रभु आशीष करो, अनुग्रह करो। आदर में आपको देते हुए शीघ्र आने वाले यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मानते सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। इस वचन से प्रभु आप सभी को आशीष करे। उसके कोड़े खाने से ही चंगा मैं हुआ, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। कटोरे को उसने उठाकर कहा, मेरी लहू में यही एक नई वजह,